नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। आज नोएडा सेक्टर 143 में सिक्का कामना ग्रुप के फ्लैट के सामने कुछ लोग धरना देकर बैठे थे। जब वहां जाकर लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि ये लोग सिक्का ग्रुप को मटेरियल सप्लाई किए थे और इनका लगभग 20 लाख रुपया फंसा है, लेकिन इनकी बात सुनने को कोई राजी नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 143 में सिक्का फ्लैट के पास। यहाँ कुछ लोग बैठे थे तो हमने सोचा कि बात कर ले, क्या है मैटर इन लोगों का, आइए खुद इनसे ही जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? सुनील। सुनील, आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? डेढ़ साल से पैसे है हमारे। किस चीज़ के पैसे? आरएमसी के। आरएमसी का थोड़ा सा, आरएमसी का मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट, सिलेंडर पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं? माल दिया देना रहे, डेढ़ साल हो गई। डेढ़ साल में कुछ तो जवाब दे रहे होंगे? वो कुछ भी ना दिया, ठन्ने भी ना दिए, नुके देंगे देंगे देंगे। जवाब तो कुछ दे रहे होंगे? जवाब तो नहीं कह रहे, देंगे पर देते ही ना, देते ना। हाँ, हाथ में कुछ आएगा तभी तो काम चलेगा। तो आज आप लोग इस कोरोना काल में आखिर क्या सोच के आए हैं? भैया रुपये लेना है हम अपने, ईट मारने को आए हैं, रुपये लेना है, पैसे लेना है। तो कितने मतलब क्या है, अगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है? अभी अंदर है नहीं ना, आए नहीं है अभी ओनर जो है। अच्छा, अगर ओनर आते हैं असंतोषजनक अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो गेट बंद रहेगा, इतने इतने हमारे पैसे ना मिलेंगे, हड़ताल पर रहेंगे भैया ऐसे। तो ये हड़ताल कुछ समय के लिए है या अनिश्चितकालीन होगा? नहीं, जब तक हमारे, जब तक हमारे पैसे मिलेंगे, जब तक हम ऐसे रहेंगे, मतलब अनिश्चितकालीन। हाँ सर, आपका नाम क्या है? विनोद अधाणा। क्या आप लोग का क्या मैटर है? जैसे भैया ने बताया कि सेम मैटर। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? हम पे करीब करीब होंगे 150-200 करीब। तो आज अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो क्या आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे? हाँ, ऐसे बैठ रहे हैं। तो 150-200 लोगों के लिए खाना पीना की व्यवस्था हम अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। और अगर इससे भी नहीं सुनती है कंपनियां तो फिर और बुलाएंगे कंपनी। हाँ, और आदमी बुलाएंगे गांव से, और आदमी गांव से बुलाएंगे, ट्रैक्टर बुलाएंगे। तो अगला जैसे सिर्फ बुलाने से, यहाँ बैठने से अगर वो पैसा लेके जाएंगे तो पैसा अपना आप दे देंगे? जी हाँ, हमने यहाँ पे साइड पे जो कंक्रीट दी है जी, हमें 1.5 साल हो गई है और 1.5 साल से हम ये धक्का खा रहे हैं, इनके ऑफिस पे जा रहे हैं, प्रीत विहार यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, कोई हमें कोई जवाब ऐसा कि देंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। लास्ट में आके हमारे घर पे भी आ रहे हैं, हमें भी किसी पेमेंट करनी है, कोई जवाब ही नहीं इनके पास। लास्ट में आके हमें कदम उठाना पड़ा और जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सब चीज़ है, ये हमारे पास बिल है, एक नंबर की पेमेंट, ठीक है, मैं बिल भी देख लूंगा। लेकिन एक सवाल, जब आप लोग मटेरियल दिए होंगे इनको जी, तो कोई तो आप लोग शर्त रखे होंगे या फिर कुछ एडवांस? इन्होंने हमसे जो परचेज ऑर्डर दिया था, इन्होंने हमसे, हमें जो दिया था वो दिया था 1 महीने का, कि 1 महीने में आपकी पेमेंट हो जाएगी। और 2020 फरवरी में हमने माल डाला है यहाँ पे और आप देख लीजिए 2021 जून हो गया है। तो लगभग कितने पैसे फंसे हुए? हमारे 20 लाख के आसपास है आपके सिर्फ। नहीं, टोटल अगर सभी लोग है, अगर सभी का जोड़ नहीं, सबका तो काफी है। अब ये तो इन्होंने सैलरी भी नहीं दी है, गार्ड खड़े हैं, इनसे पूछो आप, इनकी सैलरी भी नहीं गई हुई है, इनका स्टाफ बोलता हमें पैसे नहीं दिए जी, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली है। तो लगभग यहाँ कितनी कंपनियां हैं आप लोग यहाँ पे? तो जो है सिर्फ एक कंपनी हमारी है जो एंडीकॉन से है हम जी, बाकी और भी ठेकेदार हैं, उनकी पेमेंट भी रोक रखी है उन्होंने, वो भी आ रहे हैं, किसी की 2 करोड़ है, किसी कुछ, हमारे ज्यादा अमाउंट नहीं है, 20 लाख रुपये का अमाउंट है हमारा। हम इसलिए आज यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमारी बात इन्होंने सुनी नहीं है बिल्कुल भी। हमें 5 लाख की पेमेंट हमारी सिस्टर की शादी थी जब नहीं दी इन्होंने। आप सभी लोग की एक ही कंपनियां हैं और 20 लाख ही अटकी हुए, ये आपकी अलग है कुछ? नहीं, नहीं, एक ही है, सब एक ही जी है। लगभग 150 लोग यहाँ आए हैं, 150 लोग ये लेबर है, लेबर काम ये काम करते हैं, इनकी पेमेंट भी नहीं की है, इनके ठेकेदार भी आने वाले, वो भी यहाँ पे आके। इनका मतलब लेबर का मैटर अलग है, अलग है, और आपका पेमेंट का अलग अलग है, लेकिन सब साथ मिलकर धरना दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब साथ में, और जो ठेकेदार है वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो भी आ जाएंगे, सब वो यहाँ पे आके बैठेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे काफ़ी जो कंपनी के लोग हैं और काफ़ी मजदूर, आप जैसे देख सकते हैं विजुअल में, बहुत सारे मजदूर यहाँ पे हैं जो कि यहाँ धरना दिए हुए हैं वो अपने पेमेंट के लिए। कोई भी व्यक्ति जी बताएंगे हमारे मैनेजर, कोई भी व्यक्ति अगर वो काम करता है तो मजदूरी तो उसे आखिर मिलना ही चाहिए, अगर कोई सामान देता है तो सामान का भी पैसा मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आज आप बताइए कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ऐसा है जी, यहाँ पे 3-4 कॉन्ट्रैक्टर थे जी, गैलेक्सी करके एक कॉन्ट्रैक्टर, एक महावाल, एक सावरिया सेठ, हमने इन तीनों को माल दिया जी, ये सिक्का ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है जी। अब हमने इन्हें माल दिया करीब 1.5-2 साल हो गया इस बात का। इन्होंने क्या किया, आज से 1.5 साल पहले जो सिक्का के परचेजर है या जो भी है, इन लोगों ने क्या किया कि ये एक बात रख दी है कि हमने इन्हें वेंडर दिया था एज ए, जैसे एंडीकॉन
वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो माल तो जब हमने जो माल दिया था कॉन्ट्रेक्टर से मिला, ऐसा नहीं सिक्का ग्रुप से मिला। अब इन्होंने क्या किया, डेढ़ साल पहले ये पैसा हमारा डेबिट कर लिया, उनके अकाउंट से डेबिट कर लिए, बट हमें नहीं दे रहे हैं ये पैसा। ऐसा क्यों? ये सवाल हम गुरमीत सिक्का से कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, जो हमारे पैसे जो कॉन्ट्रेक्टर से हम मतलब रख रहे थे, आप उनसे ना रख के हमारा पैसा ले लिए और हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे? इनके तो बहुत सारे फर्म है ऐसे। आपने जिससे संपर्क किया होगा अगर मटेरियल देने वक्त? हाँ जी, तो गैलेक्सी में थे विनय, विनय सहाय करके थे, महाबल में थे प्रेम, प्रेम करके, और सावरिया सेट में है विनीत त्यागी, विपिन त्यागी। तो लगभग जो जितना जो समय देने का, माल देने का समय था, और अभी इतने दिनों में लगभग आपने उनसे कितने दिन संपर्क किया, कितनी बार संपर्क किया? जब भी संपर्क ऐसा होता है, जब भी हम कभी तो प्रीत बिहार भी जाते हैं, फोन जैसे फोन रिसीव करना तो अब समझते ही नहीं उचित, तो प्रीत बिहार भी गए हैं तो वो कह देते हैं कि जी दो दिन रुक जाओ, जी चार दिन जाओ, मैं करवाता हूँ या अगले महीना करवा दूंगा। हम लोग भी चलो कहते हैं एक मर्सी में आ जाते कि चलो अगले महीना तो मिल ही जाएगा जी। ये कर दे कहते डेढ़ साल, और डेढ़ साल पहले इन्होंने हमारा पैसा ले लिया, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये कहकर कि चलो जी मैं उस वेंडर को पैसा मैं दूंगा। तो डेढ़ साल काफ़ी टाइम होता है ये, और अगर हमारा परचेज ऑर्डर, मैं परचेज ऑर्डर अभी दिखा दूंगा आपको, एक महीना का हमारा पीडीसी पे काम हुआ था। ठीक है जी, तो ये आपके हाथ में क्या है? ये हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर के जैसे सावरिया सेठ 9,24,000 रुपया जी। ठीक है जी, ये लीजिए। नेक्स्ट ये है गैलेक्सी महाबल कंस्ट्रक्शन 8,16,000 रुपया। नेक्स्ट ये जी महाबल कंस्ट्रक्शन 6,01,000, टोटल मिला के 20,00,000 होता है। अगर हम लोग इस तरह से अगर ये सोचे, जैसे आज हम लोग बैठे हैं, इस मुद्दे को भी हम ले सकते हैं, ये जैसे जितने बिल्डर होते हैं या ये आप ले लीजिए सिक्का ग्रुप, ये अगर इन अगर हम अपना कोई एक फ्लैट बुक करते हैं किसी रीजन बस एग्रीमेंट के थ्रू, अगर मैं पैसा लेट देता हूं तो ये लोग परसेंटेज लगाते हैं, तो आज हम ये भी कह सकते हैं 2% हम भी लेंगे। आज हम ये भी तो कह सकते हैं डेढ़ दो साल हो गया, 2-4% हमें दो। तो आज जब यहाँ आप लोग प्रदर्शन धरना देने आए हैं, तो क्या आने से पहले इनको इन्फॉर्म किए थे? ये धरना नहीं है, आज का एक टारगेट है, पैसा लेके ही जाना। तो आने से पहले इनको इन्फॉर्म किए थे? इन्फॉर्म क्या कर, इन्फॉर्म करने का मतलब क्या है इन्हें, जब ये फोन उठाते ही नहीं है, ये तो कोई भी ये तो रैंडम ही होता है जी। अब इनके वर्कर अगर इन्फॉर्म करते थे, हो सके वर्कर को छुट्टी देते, आज 250-300 वर्कर इनका काम कर रहे हैं, आज इन्हें फील तो होगा कि हमारा काम कितना सफर कर रहा है। इन सारे वर्करों का भी पेमेंट अटका हुआ है, इन लोग का भी होगा, इन लोग भी बेचारे मर ही रहे हैं, बस 100 रुपये में कर ही रहे कोरोना काल में। आप गार्ड से लो जब आप गार्ड को भी पेमेंट नहीं हो रहा, बट तो यहाँ पर जैसा कि सभी लोगों से यही सुनने को मिल रहा है, काफी दिन से इन लोगों का पेमेंट अटका हुआ, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 2020 में आपने मटेरियल दिया था। 2020 नहीं, 2019 ले लीजिए, 2019 में ही मटेरियल दिया था, आज यहाँ ये बिल जून 2021 हो गया है, लेकिन अभी तक इनका पेमेंट नहीं दिया गया, और हर वक्त किसी ना किसी बहाने से इन लोगों को टाल दिया जाता है। लेकिन जो भी आदमी मटेरियल देता है या कोई काम करता है, तो उन्हें पैसा तो खैर मिलना ही चाहिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस आपका इसी कारण से रुक जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र समाचार।